राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होते ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों की जान हलक में आ जाती है। आरसीए अब राजस्थान में सत्ता का एक केंद्र बनता जा रहा है, जहां राजस्थान में राज करने वाली सरकार और इसके नेता इसे हथियाने को ललायक कहते हैं। वर्ष 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो राजस्थान कांग्रेस के मुखिया अशोक गहलोत ने आरसीए की चाबी अपने बेटे वैभव गहलोत के हाथों में थमा दी। चाबी से याद आया कि आरसीए में फिर से ताले लग गए हैं और इसका कारण है राजस्थान की सत्ता का बदलना। आरसीए में ताले और चाबी का खेल काफी पुराना है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि आरसीए पर ताले लगाए गए हो। आरसीए के पिछले अध्यक्ष वैभव गहलोत जब सत्ता में आए तो उनके मन में आरसीए के भवन को लेकर शंका थी। वैभव गहलोत के करीबियों ने उनको बताया कि आरसीए की मुख्य बिल्डिंग में कोई वास्तु दोष है, जिसके बाद साल 2019 में वैभव गहलोत के नेतृत्व में आरसीए की नई कार्यकारिणी आने के बाद से ही नॉर्थ ब्लॉक में ऑफिस न चलाकर आरसीए अकादमी में ऑफिस बनने का इंतजार किया गया। इसके बाद ही विधि विधान और मुहूर्त के साथ आरसीए की अकेडमी में ऑफिस शुरू किया गया। तब आरसीए के पदाधिकारी ने यह कहा कि नॉर्थ ब्लॉक वास्तु दोष होने के कारण आरसीए की अकेडमी को अब इस दफ्तर में बनाकर काम में लिया जाएगा। इसी कारण से आरसीए की अकेडमी के तीसरे माले पर कॉरपोरेट ऑफिस डिजाइन किया गया, लेकिन आरसीए पर लगा ये वास्तु दोष आरसीए अकेडमी तक पहुंच गया और भाजपा सरकार ने आरसीए के मुख्य भवन के साथ साथ आरसीए अकेडमी पर बने आरसीए के नए ऑफिस पर भी ताले लगा दिए। वास्तु दोष को लेकर विशेषज्ञों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जो पहले आरसीए का जो ऑफिस था, अगर उसका मौका मुआयना करके देखा जाए, अगर आपके विजुअल्स के माध्यम से, तो एसएमएस स्टेडियम का उत्तर दिशा की तरफ जो एक गेट बना हुआ है जो सीधा का सीधा आपके आरसीए एकेडमी से जाके टकराता है, जिसको हमारी वास्तु की भाषा में टी पॉइंट के नाम से जानते हैं। और टी पर स्थापित होने वाली कोई भी बिल्डिंग जो होती है वो या तो विवादों में आती है, या उसमें कोई आर्थिक उच्चावचन की स्थितियाँ देखने को मिलती है, या उस संबंधित बिल्डिंग के अंदर जो भी ऑफिसेज चलते हैं उनके जो उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं वो किसी न किसी विवाद में आते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। अब जहाँ तक सवाल है आरसीए का, पहले वाली बिल्डिंग का, तो देखिए पहले वाली बिल्डिंग मेरे पीछे दिख रही है, अगर इसकी शेप को अगर अपन देखते हैं तो ये एक नारमुखी शेप बन के आती है इसकी, और नारमुखी शेप बनने की वजह से वैसे वास्तुओं के या वास्तुविदों का ऐसा मानना है कि दक्षिणमुखी या उत्तरमुखी अगर कोई नारमुखी शेप की कोई बिल्डिंग होती है तो वो प्रॉस्पेरिटी के लिए तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर उस पर टी बन जाता है तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी बनता है और कहीं ना कहीं विवादों की स्थिति पैदा करती हुई देखी गई है। दूसरी बात ये कि जब इसका स्थान परिवर्तन किया गया तो कहीं ना कहीं जिस जगह पर जाकर इसको दोबारा से बनाया गया तो वहाँ पर भी ऐसा देखने में आया है कि उसके नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है उसको भारी कर दिया गया, जिसका परिणाम ये रहा कि वापस से आरसीए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विवादों में रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर एसएमएस स्टेडियम की पूरी प्रमेसिस की बात करें या संपत्ति की बात करते हैं तो इसका ईशान कोण यानी जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहाँ कंस्ट्रक्शन तो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में कर दिया गया, जबकि उसका जो दक्षिण पश्चिम का जो हिस्सा है जिसे हम नैऋत्य कोण के नाम से जानते हैं वो खाली ज़मीन पड़ी हुई है। जबकि वास्तु ऐसा मानता है और वास्तु के इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पंच तत्वों का जो वास्तु है वो ये कहता है कि दक्षिण पश्चिम की जो दिशा होती है उसको भारी करना आवश्यक है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम से नेगेटिव एनर्जी का आवागमन होता है जिसकी वजह से मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, क्षीण होती है। तो उसको बचाव करने के लिए दक्षिण पश्चिम का भारी होना ज़रूरी होता है। अब आती है बात ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस प्रकार से बसावट एसएमएस स्टेडियम की गई तो वो कहीं ना कहीं एक तो कोना कट गया, दूसरा थोड़ा बहुत जो हिस्सा बचा था उस पर भी कहीं ना कहीं साइकिल के लिए वेलोड्रम बना दिया गया, दूसरा कुछ ऐसी बिल्डिंगें बना दी गई जिनकी वजह से नॉर्थ ईस्ट क्या है ऑटोमेटिकली भारी होता चला गया, और उधर दक्षिण पश्चिम का जो हिस्सा था वो कहीं ना कहीं डाउन हो गया। तो जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि एसएमएस स्टेडियम में जितनी भी गतिविधियाँ, चाहे वो क्रिकेट की हो, बैडमिंटन की हो या खेलकूद की जितनी भी एक्टिविटियाँ हैं, वो पहली बार तो संपन्न ढंग से हो नहीं पाई। एक दो मैचेस वगैरह कभी हुए हों तो मैं नहीं कह सकता, बाकी सामान्यतः इतनी बड़ी प्रेमिसेस होने के बावजूद और वास्तु दोष से लिप्त होने की वजह से एक एसएमएस स्टेडियम जो कि प्राइम हार्ट ऑफ द सिटी पर बना हुआ है उसका वो एडवांटेज न तो खिलाड़ी ले पाए और न राज्य सरकार ले पाई
और यहाँ तक कि जो सामान्य जनता है जिसकी काफ़ी अपेक्षाएं कहीं ना कहीं एसएमएस स्टेडियम से रही हैं, तो वो केवल और केवल एक छोटे मोटे इवेंट करने के लिए जाना जाने लगा है, जबकि स्टेडियम की स्थापना इसलिए की गई थी जिससे खिलाड़ियों का विकास हो शारीरिक और मानसिक रूप से। और सरकार कभी भी इन चीज़ों की वजह से विवाद में नहीं आए, लेकिन आपने पिछली बार देखा होगा कि इस वास्तु दोष की वजह से चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, कहीं ना कहीं आरसी एकेडमी जो है ऑटोमेटिकली विवादों में आती चली गई। वो अलग बात है कि राजनीतिक कारण क्या रहे होंगे मैं नहीं समझता इस बात को, लेकिन अगर उसको वास्तु से जोड़ें तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट का कटा हुआ होना या उस पर भारी कंस्ट्रक्शन होना और उधर दक्षिण पश्चिम का भारी होना चाहिए था लेकिन वहाँ पर उसका हल्का होना, कहीं ना कहीं इस बात को इंगित कर रहा है कि सवाई मान सिंह स्टेडियम में जो भी गतिविधियां होंगी वो कहीं ना कहीं विवादों में आना स्वाभाविक सी बात है। तो इस पर चिंतन और मंथन करना कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी आवश्यक है और जो भी इस पूरे प्रमिसेस को संभालते हैं चाहे वो कोई भी किसी भी प्रशासनिक तंत्र के रूप में है, उस पर इस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। जब से इस नॉर्थ पेविलियन स्पोर्ट्स एक्ट के बाद जब नींव रखी गई है, तब से अंदर जो ऑफिस बने हैं उसमें जो भी पदाधिकारी बैठा है उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया है, चाहे वो ललित मोदी जी रहे हो, चाहे संजय दीक्षित रहे हो, चाहे सीपी जोशी जी रहे हो। आपको पता होना चाहिए एडो कमेटी के टाइम विनोद सारण जब कन्वीनर बना था तो उसने कार्यालय एडो कमेटी का कार्यालय एकेडमी के उधर उस पेविलियन में रख लिया था, लेकिन वो कार्यकाल भी कुछ नहीं कर पाए। वैभव गहलोत जी ने पूरे के पूरे चैम्बर ही चेंज कर दिए पर वो भी नहीं बच पाए। तो मेरा मानना है कि वास्तु दोष के बारे में चर्चाएं जो राजस्थान क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों के बीच में होना चाहिए। मेरा स्वयं का कार्यकाल 22 दिन रहा था, हमारे बीच में सीपी जोशी जी के बीच में विवाद हो गया था, तो एक बार गंभीरता पूर्वक इसमें वास्तु दोष को दूर करने के लिए जो भी प्रयोग करने चाहिए वो हमें करने चाहिए। और मैं सोचता हूँ आपकी इस बात को मैं गंभीरता से ले रहा हूँ। इस बार जो भी कोई बैठेगा उसको कहेंगे पहले वास्तु दोष दूर करो, चाहे बैठने में 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा आरसीए के भवन को लेकर जब वास्तुविदों ने जांचा परखा और करीबी से देखा तो सामने आया कि आरसीए के नॉर्थ ब्लॉक वाले मुख्य प्रशासनिक भवन में वाकई कई वास्तु दोष सामने आए। वास्तु की भाषा में जो भवन को लेकर शुभ और अशुभ प्रतीक कहे जाते हैं, आरसीए के भवन के बाहर टी पॉइंट बना होना और नहर मुखी होना, नॉर्थ ब्लॉक के कंस्ट्रक्शन में वास्तु का ध्यान नहीं रखा जाना, आरसीए अकेडमी में बिना वास्तु के अव्यवस्थित निर्माण किया जाना, जबकि वास्तुविदों के मुताबिक वैभव गहलोत ने आरसीए के नॉर्थ ब्लॉक के बजाय एकेडमी को दफ्तर तो बना दिया लेकिन वहां पर भी वास्तु के अनुसार निर्माण नहीं हुआ। इसी कारण से क्रिकेट संघ में फिर से विवाद सामने आ गया। वहीं आरसीए के पदाधिकारी भी आरसीए में इस वास्तु दोष से वास्ता रखते हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव राजेंद्र सिंह नांदू का भी कुछ ऐसा ही मानना है। उनका कहना है कि आरसीए की नॉर्थ बिल्डिंग में वास्तु दोष है क्योंकि इस बिल्डिंग में आने वाला अध्यक्ष कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, जिसमें खुद ललित मोदी सीपी जोशी जैसे अध्यक्ष शामिल है। बहरहाल आरसीए में जिला संघ पदाधिकारियों के आपसी झगड़े अंदरूनी गुटबाजी और यहां राजनीतिक उथल पुथल सत्ता के संघर्ष के लिए देखी जाती रही है, लेकिन वास्तु का कोई रोल है या नहीं यह तो ठीक से कोई नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर है कि बार बार अस्थिर होती यहाँ की सत्ता के दौरान यहाँ के भवन के वास्तु बिगड़ने की चर्चाएं तेज हो जाती हैं।